नमस्कार जी, मैं मंजू। 3 साल पहले मैंने वीडियो नंबर 211 211 डाला था, और वो मैंने 11 दिसंबर के टाइम डाला था। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि फ्लावर वर्ड्स और कटिंग्स के साथ किस तरह से हम इस टाइम जो कटिंग्स तैयार कर सकते हैं, और फिर अगले सीज़न के लिए वो हमारे खूब सारे जो हैं प्लांट्स तैयार हो सकते हैं। तो इस टाइम ये फ़ायदा रहता है कि ढेरों फ्लावर्स आपके आसपास, जहाँ आपके घर में जहाँ कहीं भी खिले होंगे, तो आप अपनी पसंद के ला सकते हैं फूलों के साथ, फ्लावर वर्ड्स के साथ। और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ये फूल हैं और किन किन की किन किन फूलों के, जैसे कि किस वैरायटी का है, किस कलर का है, कैसे हैं, ये आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो मैंने वीडियो नंबर 211 डाला था, ये मैंने अपने पुराने चैनल मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग पर, ये चैनल पर डाला था। तो ये वीडियो सर्च करने के लिए आप ये देख सकते हैं, क्राइसेंथिमम कटिंग्स लिख के डॉट डॉट मंजू हांडा लिख दें तो ये वीडियो नंबर 211 आपके मोबाइल स्क्रीन पर जरूर होगा। और ये जो फूल थे ये उस टाइम मेरे पास नहीं थे, मैंने कटिंग लेके 3 साल पहले बोतल में ग्रो करना सिखाया था फ्लावर वर्ड्स और फ्लावर्स के साथ। उसके बाद 3 साल से ये मेरे घर में फ्लावर है और उस बोतल में भी लगे हुए हैं, और इतनी कटिंग्स निकाल निकाल के मैंने फिर ये जगह जगह लगाती हूँ। तो ये सब फ्लावर्स जो हैं मैंने अपने हाथों से तैयार किए हुए हैं, कटिंग से जैसे तैयार किए हुए हैं। तो फिर ये गार्डन में ख़त्म ही नहीं होते, बस समर के टाइम थोड़ी सी केयर करें तो ये बने रहते हैं, फिर बरसात में कटिंग्स लगा सकते हैं। बरसात में तो लगाते ही हैं, बट इस टाइम जो विंटर में है, बहुत कम जो लोगों को पता भी नहीं होगा और लगाते भी नहीं होंगे। हाँ, जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा और उसके रिजल्ट्स भी मैंने उसमें दिखाए थे, किसी वीडियो में दिखाए थे, पर उस टाइम मुझे ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाना आते नहीं थे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसका जो मैं नंबर जो बता दूं कि किस वीडियो में है। तो ये वही फ्लावर्स हैं, तो मैं उसका जो टाइटल दिया था, मैंने ये दिया था वीडियो नंबर 211 का, टू ग्रो क्राइसेंथिमम थ्रू कटिंग्स विद वर्ड्स एंड फ्लावर्स। तो आज भी मैं वही बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, हो सकता मेरे भाई बहनों को नहीं पता होगा। तो अलग अलग रंग के जो भी आपको पसंद की कटिंग्स चाहिए, तो काम कैसे करता है वो इसलिए काम करता है कि अभी दिसंबर का महीना भरपूर ठंड है इस टाइम। तो जो भी आप कटिंग्स लेते हैं फ्लावर्स की, तो ये सोचिए आप कि आप कट कट कर रहे हैं, जो कट फ्लावर्स के रूप में उसे जो है इस्तेमाल करेंगे अपने गार्डन में। हाँ, हम इंडोर नहीं रखेंगे उसे, तो इंडोर के बजाय हम अपने गार्डन में ही रखेंगे, और ऐसी जगह में रखेंगे यहाँ पे हल्की धूप भी आती हो और थोड़ी छाया भी रहती हो। मतलब बहुत ज़्यादा छाया में भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा धूप में भी, जैसे बहुत ज़्यादा एकदम से तेज़ धूप हो उसमें भी नहीं रखना है, क्योंकि ये हमने कटिंग करके ये लगानी है तो ऐसी जगह लगानी है। तो ये काम कैसे करता है, रूट्स कैसे बनती हैं, इस टाइम जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो वो लंबे टाइम तक हमारी फ्रेश बनी रहती हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि वो ग्रीन्स रहती हैं कटिंग्स। और थोड़े टाइम के बाद ही हमारा स्प्रिंग आने वाला है, फरवरी मार्च आने वाला है, और फिर उस टाइम जो थोड़ी हल्की गर्मी होने लगती है, उस टाइम जी भी हमारे जो कटिंग्स हमने लगाई होती हैं, रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी आप लगाइए इसकी कटिंग्स, और रूट्स आने में कुछ टाइम ज़रूर लगता है पर बन जाती हैं। और ये फ्लावर्स भी जो कटिंग लगाएंगे, ये खिलते रहते हैं, फ्लावर वर्ड्स भी खिलते रहेंगे, और ज़्यादा अच्छी हालत में तो नहीं खिलेंगे क्योंकि आपने कटिंग लगाई है, पर फिर भी खिलेंगे, अच्छे लगेंगे। किस तरह की कटिंग होगी ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो मैंने ये कुछ कटिंग्स जो किसी से मंगवाई हैं, ये कि मैंने सोचा कि हो सकता है उनके पास अलग कलर के कुछ हों, तो वो ज़्यादातर जो मेरे गार्डन में फ्लावर्स हैं वही लेके आए हैं, क्योंकि वो अपनी जो उनको ठीक लगा वो ले आए। तो मैं फिर ये सारी ग्रो कर दे रही हूँ, तो ये सब तरह के जो फ्लावर्स हैं मेरे गार्डन में पहले से ही हैं, फिर भी मैं लगा दे रही हूँ। और एक फ़ायदा ये होता है, अच्छा मैं ये बोतल बताती हूँ पहले आपको कि किस तरह की लेनी है। ये जो बोतल थी मेरी, इसमें मैंने वीडियो नंबर 211 की कटिंग, ये वही 3 साल पुराना प्लांट है, पर इसमें रूट बॉल बन गया है। 3 साल से मैंने मिट्टी हटाई नहीं है। जब भी आप बोतल में ग्रो करते हैं तो आप हर साल जो है उसकी मिट्टी बदलिए, रूट बॉल हटाइए, फिर आपका प्लांट इतना बढ़िया चलता है। तो ये फ्लावर्स देख रहे हैं आप मेरे, ये जो मैं दिखाती हूँ, ये बोतल में, ये देखिए बोतल में लगे हुए हैं, ये पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बोतल में और एक ये पैक में, ये दो पौधे लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो इनमें ढेरों फ्लावर्स आते हैं, ये देखिए
ऐसे ढेरों फ्लावर्स आते हैं। तो लगाना कैसे है तो मैं कटिंग आपको दिखाती हूँ पहले किस तरह की लेनी है। तो कुछ वो कटिंग सही लाए हैं और कुछ वो मेरे पसंद की नहीं है, मतलब बहुत बारीक है। इस तरह से जैसे ये कट कर ली है, ये ब्रांच ये है, तो हम यही सोच के चलेंगे कि हम जो है कट फ्लावर के रूप में इसे तैयार कर रहे हैं। तो बस ये नीचे की थोड़ी पत्तियां तोड़ लीजिए। अगर आप वीडियो नंबर 211 देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, 3 साल पुराना वीडियो मेरा। बस सर्च करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि ये थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ नीचे से हटा लें और ये कर लेना है। ये थोड़ा इसको यहाँ से कट कर लें, बड़ी लंबी ब्रांच है तो यहाँ से कट कर लें और ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे इस तरह से छील लें ताकि इस पर रूट्स आ जाएं। और आपका मन चाहे तो ये कुछ जो फ्लावर्स खिल रहे हैं हटा भी सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, चलने होंगे तो ये वैसे खिलते रहते हैं। तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ ये ऐसे। तो वैसे अगर फ्लावर वर्ड्स के साथ हो तो तब तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो अच्छे से लंबे टाइम तक खिलते रहते हैं। ये तो खिले हुए फ्लावर्स हैं, अब कुछ टाइम चलेंगे। और इसी तरह से कुछ कुछ वो कटिंग जैसे ये बड़ी बारीक ले आए हैं तो भी मैं इन्हें ग्रो कर दूंगी। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे। तो ये मेरे पास खूब सारी कटिंग्स हैं, ये मैं सब इसमें लगा दूंगी। और कुछ के एक आधा कोई दो फ्लावर्स जो निकालना चाहते हैं तो निकाल भी दीजिए। अगर आप निकाल देते हैं तो वो चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो इसलिए ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो सारी जो खुराक वो है रूट्स बनाने में लग जाती है। तो फिर जो अगर फ्लावर्स लगे होंगे, फ्लावर वर्ड्स होंगे तो उसमें लगाएगा। बट मैंने तो फ्लावर वर्ड्स के साथ ही लगाई थी तो मेरी ये सारी चल पड़ी। और एक फ़ायदा अब इस टाइम ये लगाने का होता है, जब भी हम लगाएंगे तो सीमेंट पोट या फिर मिट्टी के पोट में लगाएं या फिर किसी बोतल वगैरह में, शैलो होना चाहिए। रूट्स जब शैलो होती हैं तो ज़्यादा गहरे से नहीं जाती हैं तो वो उसके कटिंग के गर्मियों में चलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर ज़्यादा गहरे से होती हैं तो उन्हें गर्मियों में बहुत जब हाई टेम्परेचर जाता है तो फिर वो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर के कारण वो उनको ज़्यादा हीट मिलती है और हीट मिलने से एक दो फूल मैं तोड़ देती हूँ और हीट मिलने से वो जो है बहुत सारे प्लांट्स हमारे मर जाते हैं और ज़्यादा पानी होने से मर जाते हैं। तो ये चक्कर होता है। तो अब जब ये तैयार हो जाएंगे तो फिर इनसे हम कटिंग्स लेके, ये हमें ध्यान रहेगा कि हमने कितने तरह के लगाए हैं, निशानी लगा लेंगे इस गमले में तो पता ही रहेगा। तो ये फूल खिलते भी रहेंगे कुछ टाइम तक। और ये मैं दिखाती हूँ मैंने कुछ और कटिंग जैसे मैंने लगाई अपने गार्डन की, तो ये मैं अब लगाती रहूँगी ऐसे, आपको पता चल ही जाएगा। और मिट्टी को आपने हल्का मॉइस्ट रखना है ताकि रूट्स बनने में आपको हेल्प मिले। तो ये आपका ये फूल जो है लंबे टाइम तक ये चलते भी रहेंगे। अगर फ्लावर बर्ड्स होती, अध खिले फूल होते तो वो तो ज़्यादा टाइम चलते। मैं दिखाती हूँ अभी एक मिनट। कुछ दिनों पहले मैंने ये कटिंग जो फ्लावर वर्ड्स के साथ ही ये कटिंग मैंने लगाई है तो ये देखिए ग्रीन है, कुछ दिन हो गए हैं और नीचे की पत्तियाँ जो सूखनी थी वो इसकी सूख चुकी हैं। तो मैं इसी गमले में इसे रहने दूंगी, चलने दूंगी और नेट के नीचे जैसे ये आप देख रहे होंगे धूप भी आ रही है इसमें। तो ये फिर जब हमारा स्प्रिंग आएगा या उससे पहले जैसे कई बार गर्मी आ जाती हैं तो इनमें जो है रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपके रूट्स नहीं भी बनती हैं कम से कम कट फ्लावर के रूप में तो वो कुछ दिन खिलते रहेंगे फूल। कोई ऐसा नुकसान तो है नहीं कि वो कटिंग लेंगे तो उससे आपके प्लांट्स जो हैं मदर प्लांट मर जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लगाइए और पॉजिटिव रहिए। और कुछ भी कटिंग अगर आपकी चल पड़ती हैं, कुछ एक भी चला लेते हैं, जैसे 10 लगाते हैं 10 में से 3 या 4 भी चल पड़ती हैं तो इतने प्लांट्स आपके न्यू जो है तैयार हो जाएंगे। अब मैं कटिंग्स लगाती रहती हूँ। नमस्ते जी, शुक्रिया।